फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो आज तैयारी चल रही है कृषा के जन्माष्टमी के फ़ोटोशूट की। तो देखिए, मैं सारी तैयारी कर चुकी हूँ ऑलरेडी और अब बस कृषा को रेडी करना बाकी है। तो बस अब फटाफट से कृषा को रेडी कर देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने छोटू सा पेड़ बनाया है जिसकी छांव में हमारे कान्हा जी बैठे हैं। और यहाँ मैंने चावल से और अशोक के पत्तों से लिखा है हैप्पी जन्माष्टमी। ये कान्हा को देखिए जन्माष्टमी रहने नहीं देंगे। तो अब हमारी कृषा का लुक भी आप चेक कर लीजिए, कैसे लग रहे हैं हमारे चश्मे वाले छोटू से कान्हा जी। तो चलिए, कान्हा को तो आपने देख लिया, अब साथ में देखिए कान्हा की यशोदा मैया। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से मेरी पूजा की तैयारी। ये मैंने डेकोरेशन की है। आज मेरा कान्हा भैया भी यहीं आया हुआ है, तो कान्हा भैया की भी सारी डेकोरेशन हुई है और मेरे छोटू कान्हा के लिए भी सारी डेकोरेशन। ये मेरे छोटू कान्हा का सिंहासन, ये मेरे बड़ू कान्हा का सिंहासन, ये देखिए पूरी डेकोरेशन। ये पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मैं आपको फटाफट से मेरे कान्हा जी के कपड़े वगैरह दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे सारा सामान रखा है। ये बड़े कान्हा की ड्रेस है, माला है, बांसुरी है, उनके कड़े हैं, बाल है, ये दोनों कान्हा का ये सारा सामान रखा है। छोटे कान्हा का भी रखा है, हैंकी रखा है उनका, और ये बांसुरी देखिए, लाइटिंग भी लगाई है। तो चलिए, 12 बज चुके हैं, फटाफट से करवा लेते हैं कान्हा जी का जन्म। ये मेरे छोटू से कान्हा जी का जन्म। बड़े कान्हा के लिए मुझे खीरा नहीं मिला, इसलिए बड़े कान्हा जी को हमने जो खीरा है वो कटिंग करके उसमें दबाया है। मेरे दोनों कान्हा को देखिए चांदी के कड़े पहन के पैदा हुए हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अब फटाफट से इनको साइड में रख के कान्हा जी का पंचामृत से अभिषेक कर देते हैं। ये दोनों कान्हा जी का फटाफट से पंचामृत से अभिषेक करते हैं हम। अब इनको अच्छे पानी से नहला दिया जाए। छोटू से कान्हा जी तो अच्छे से आ गए थे कटोरी के अंदर, पता है, लेकिन बड़े कान्हा जी को बहुत प्रॉब्लम हुई, बैठ नहीं पा रहे हैं। फटाफट से इनको पोंछ लिया जाए और इनको इनकी नई नई ड्रेस पहना दी जाए। ये मेरे कान्हा जी तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले छोटे बच्चे तैयार होते हैं, बड़े बच्चे बाद में तैयार होते हैं, फिर बड़े कान्हा जी को भी तैयार किया जाएगा। ये बड़े कान्हा की ड्रेस है, ये बड़े कान्हा को पहना देते हैं। कपड़े पहन चुके हैं, अब इनका पूरा साज श्रृंगार किया जाएगा। चलिए, कान्हा जी तैयार हो चुके हैं, अब इनकी आरती रेडी करते हैं। आरती बहुत बड़ी थी तो मैंने बीच में से कट कर दी है। अब कान्हा जी को मैं चावल चढ़ाऊंगी ताकि वो मेरे सारे कर्जे माफ़ कर दें। ये 3 मुट्ठी चावल मैंने मेरे कान्हा जी को चढ़ाए हैं।
तो चलिए फटाफट से कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। सब में तुलसी डाल दी है, ये मैंने पर्दा लगा दिया है कान्हा जी के लिए। कान्हा जी का पेटू भर चुका है तो फटाफट से उनको झूला झूला लिया जाए। शीति झुलाएगी कान्हा जी को झूला। बड़े नखरे हो रहे हैं इसके, कान्हा भैया से दूरी बना के रखनी है इसको नखरेल को। चलिए बाकी सारे काम हो चुके हैं, अब फोटोज़ बची हैं वो हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो कान्हा जी को बस भोग भोग लगाने के बाद फिर रात में थोड़ी देर बाद सुला दिया गया था। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं।